अब बच्चों मैं आपको करा रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, आप सब जानते हो। नंबर वन, दीज स्टेटमेंट्स आर द एंड रिजल्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ अ कंसर्न। हम सारा साल जितने भी फाइनेंशियल काम करते हैं उससे रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स आते हैं वो पता लगता है, इसीलिए दीज आर prepared at the end of the financial period। ठीक है, ये first feature है इसका। Number two, ये historical in nature होती हैं, यानी कि इसके अंदर पिछली बातें discussion की जाती हैं। Future के कोई plans या कोई budgets या कोई qualitative या quantitative figures जो है यहाँ पर हम लोग show नहीं करते हैं। And number three, ये मैंने आपको बता ही दिया, financial results और financial position के बारे में बताती हैं। ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि फाइनल अकाउंट्स के मेन फीचर्स होते हैं। अब इनकी नेचर क्या होती है बच्चों, बहुत सिंपल है। दीज आर नॉट एब्सोल्यूट फिगर्स। ये एब्सोल्यूट फिगर्स नहीं होती, बिकॉज दे आर अफेक्टेड बाय रिकॉर्डेड फैक्ट्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड पर्सनल जजमेंट। ये चार चीजें हैं जिसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फैक्ट्स होते हैं, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस होते हैं, और जजमेंट होती है। देखो ऐसा होता है, इसमें मैं तुम्हारे को एक छोटी सी बात बताता हूं। ये एब्सोल्यूट फैक्ट्स नहीं होते, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूं। हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी, लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा कि यह पर्टिकुलर एसेट कितने साल तक चलनी है। अब जब हम ये सोचते हैं कि ये एसेट कितने साल तक चलनी है, तो ये सिर्फ हमारे टेक्निकल एस्टिमेट्स हैं। ये मशीनरी 8 इयर्स तक रन करेगी, ये मशीनरी 10 इयर्स तक रन करेगी, ये मशीनरी 15 इयर्स तक रन करेगी, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पकड़ते हैं उसका। चाहे मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहा हूं, चाहे मैं रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से कर रहा हूं, ये सेकेंडरी मैटर है। लेकिन सवाल ये है कि उसकी लाइफ मेजर करना, फ्यूचर में उसकी कितनी स्क्रैप वैल्यू हमें रियलाइज होगी, ये सारी चीजें पहले से ही टेक्निकल एस्टिमेट्स पर बेस्ड हैं, और ये एस्टिमेट हमेशा हम लोग पास्ट के ऊपर बेस कर देते हैं। लेकिन इन एनी केस दीज आर एस्टिमेट्स, और फ्यूचर में ये चेंज हो सकते हैं एस्टिमेट, इसलिए दीज आर नॉट एब्सोल्यूट फिगर। मैंने रेंट पे किया 1,00,000 रुपए, ये तो एब्सोल्यूट फिगर है। मैंने सैलरी पे करी 2,00,000 रुपए, ये भी एब्सोल्यूट फिगर है। लेकिन डेप्रिसिएशन लेट अस्यूम मैंने 50,000 रुपए लगाया हुआ है, ये एक एस्टिमेटेड फिगर है, और ये हमारे कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस पर बेस्ड हैं, जजमेंट्स पे बेस्ड हैं। अब कन्वेंशन में मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये कंसेप्ट में एक बात बताता हूँ। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है बच्चों, प्रूडेंस कंसेप्ट, यानी कि आप ऐसे समझे कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को तो हम लोग अभी से शो कर देते हैं, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को हम अभी से शो करते ही नहीं। सिंपल मैटर है, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को तो हम कभी भी शो नहीं करते हैं, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के आज ही प्रोविजन बनाने शुरू कर देते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, प्रोविजन फॉर कॉन्टिंजेंसीज, प्रोविजन फॉर टैक्स, बड़ी सारी चीजें। ये सारी चीजें जो है बेसिकली हमारी कन्वेंशन पे बेस्ड है। तो आप सोचो हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉसेस शो कर रहे हैं बट प्रॉफिट शो नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली फिगर्स जो है चेंज तो हो ही जाएंगे ना। तो बेसिकली ये हमारी नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कि हमारे को बड़े सारे फैक्ट्स, कंसेप्ट्स, जजमेंट्स के ऊपर बेस्ड होकर चलना होता है। जैसे फैक्ट्स, छोटी सी बात है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, फिक्स्ड एसेट्स जितने भी हैं, ये सब रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं। लेकिन कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। अब देखो यहां पर मैंने एक बात बोली हुई है, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ये रूल है कि क्लोजिंग स्टॉक जितने भी दिए होंगे या जितना भी स्टॉक दिया होगा उसकी वैल्यूएशन हम लोग कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम हो वो शो करते हैं, दोनों में से जो कम हो वो शो करते हैं। कारण कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट। अगर मान लो मार्केट प्राइस ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, हम वो शो नहीं करेंगे। बट अगर मार्केट प्राइस कम हो रही है तो हम कम शो कर देंगे, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में लॉस होने वाला है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या है ना, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को शो करो, प्रॉफिट्स को शो नहीं करो। तो ये उसके बेसिस पर हमारा ये भी एक रूल है। तो कंसेप्ट और कन्वेंशन पर बहुत सारी चीजें बेस्ड होती है। पर्सनल जजमेंट के बारे में मैंने तुम्हें वैसे ही पहले बता दिया। नेक्स्ट ईयर हमारी सेल ईस्टर्न इंडिया में बहुत बढ़ने वाली है या नॉर्दर्न इंडिया में बहुत बढ़ने वाली है, लेट अस अज्यूम। लेकिन उसकी वजह से मुझे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, मुझे बहुत सारे मार्केटिंग के स्ट्रेटजीज करनी पड़ेंगी। अब पता लगा कि हमारी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक थी, ईस्टर्न इंडिया या नॉर्दर्न इंडिया में उन प्रोडक्ट्स का ज्यादा स्कोप नहीं है, पर हमने मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट वहां पे थोप दी ढेर सारी,
सेल बढ़ा नहीं पाए, या वाइस वर्सा हम दूसरी जगह पे जहां पर मार्केटिंग ज्यादा नहीं करी और वहां पर एकदम सेल बढ़ गई। तो बड़ी सारी चीजें हैं जो हमारी जजमेंट पर भी बेस्ड होती हैं, तो उसकी वजह से भी फ्यूचर में प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं और वो चीजें भी जो है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो होती हैं। और बाकी मैंने जैसे डेप्रिसिएशन का एस्टिमेट आपको बता दिया, ये सारी चीजें जो है हमारी पर्सनल जजमेंट पर बेस्ड होती है। ओके, तो ये बच्चों हमारी कुछ नेचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।